चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द नेटवर्क पी क्यू आर एस शोन इन सर्किट डायग्राम हैज द बैटरीज ऑफ 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। अ मिलीमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन पी एंड आर, कैलकुलेट द रीडिंग इन द मिलीमीटर। एक सर्किट डायग्राम दे रखा है इसमें, इसमें दो बैटरी लगा रखी है 5 वोल्ट और 4 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, फिर इसमें 20 ओम का मिलीमीटर लगा रखा है पी एंड आर के बीच में, तो हमें इसमें रीडिंग निकालनी है। किसकी रीडिंग निकालनी है? मिलीमीटर की रीडिंग निकालनी है। इट मीन्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है करंट। क्वेश्चन को देख के समझ में तो आ रहा है कि ये किरचॉफ्स लॉ का है, लेकिन कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी जो कि हमें खुद, सपोज मान लेते हैं यहाँ से करंट आ रहा है I1 और इस बैटरी से करंट आ रहा है I2, ये दोनों मिलके करंट बना रहे हैं हमारा I3, यहाँ से I3, तो यहाँ भी आ गया I1 और यहाँ आ गया हमारा I2। ये तो हो गया हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम ये वाला लूप लेते हैं। इस वाले लूप में कौन सा किरचॉफ्स लॉ लगेगा? सेकंड किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ किसमें? इन लूप PRSP। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट करें? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पी आर से, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेंगे माइनस I3 इंटू 20, देन फिर से प्लस टू माइनस आ रहा है हमारा माइनस I2 इंटू 200 और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस 5 वोल्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है, माइनस इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ। अब इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं और 5 कॉमन लेते हैं और 5 को उधर लेके जाते हैं, तो हमारी इक्वेशन बनेगी, माइनस कॉमन लूँगा तो 4I3 प्लस 40I2 और 5 को उधर लेके गया तो सॉरी ये आएगा प्लस, इसको उधर लेके गया तो माइनस 5 और माइनस से माइनस डिवाइड किया तो 1, ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन कम्प्लीट। अब रह गया हमारा दूसरे वाला लूप बच गया। अब ये वाला लूप लेते हैं, टेकिंग लूप PRQP, फिर से साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेंगे माइनस I3 इंटू 20, यहाँ से कितना आ रहा है करंट आ रहा है हमारा I1, इट मीन्स माइनस I1 इंटू 60 और फिर से प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है और माइनस इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये बच्चा मेरे पास 4 5 20 4 I3 प्लस 15 I1 और इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू आ गया हमारा 1। इक्वेशन नंबर आ गया हमारी सेकंड, दो हो गई। अब यहाँ पे देखो ये I1 और I2 मिलके करंट बना रहे हैं हमारा I3, तो यहाँ कौन सा लॉ लग गया किरचॉफ्स का? हमारा यहाँ पे किरचॉफ्स का लॉ लग गया फर्स्ट लॉ करंट वाला, जैसे KCL कहते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्या कह रहा है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये देखो ये बन रही है I3 I2 के टर्म्स में, ये I3 I1 के टर्म में, इट मीन्स यहाँ पे दोनों में वेरिएबल्स अलग अलग हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? सेम वेरिएबल्स में कन्वर्ट। तो यहाँ पे I3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ I3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन हमारी I1 और I2 के टर्म्स में आ जाएगी। उसके बाद हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वही करेंगे पहले हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन 4I3 की जगह वैल्यू रख रहा हूँ मैं I1 प्लस I2 प्लस 40I2 इक्वल्स टू 1, यहाँ I3 की जगह वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करते हैं इसको, 4I1 प्लस 4I2 प्लस 40I2 इक्वल्स टू 1, कितना आ गया ये 4I1 4 प्लस 44I2 इक्वल्स टू 1। एक और इक्वेशन बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर
सेकंड और थर्ड, सेकंड में फिर से पुट करते हैं वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 5i3 की वैल्यू पुट करते हैं, i1 प्लस i2 15i1, तो 15i1 की वैल्यू ऑलरेडी i1 ही है और +1 सॉल्व करते हैं इसको, 5i1 प्लस 5i2 प्लस 15i2 +1 वैल्यू आ गई हमारी 5 और प्लस 20i1 प्लस 5i2 =1 ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास 20i1 प्लस 5i2 =1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन ये बन गई, ये फोर्थ है तो ये बन गई हमारी फिफ्थ। अब इनको सॉल्व करेंगे, इसको इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकलेगी, मैं आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक की वैल्यू निकाल के दिखा दूँगा, बाकी वैल्यू आप खुद सॉल्व कर लें। करके जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 4i1 है, यहाँ हमारा 20i1 है, क्या करें, ऐसा है कि हमारा ये 4i1 कट जाएगा। या तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 5 कॉमन लेके नीचे ले जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा इक्वेशन बन जाएगी हमारी, यहाँ पे चलो i कॉमन ले लेते हैं तो बन गया 4i1 प्लस i2 =1/5। तो ये हमारी फिफ्थ क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो क्या होगा, 4i1 प्लस 44i2 =1/4 में 4i1 प्लस i2 =1/5 माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ आ गया 43 पटरी में 1 माइनस ये आ गया 43 = आ गया हमारा 1 माइनस 1/5 तो आ गया 4/5 i2, तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओवर मल्टीप्लाई अपॉन में 215। इस i2 से हमारी i1 की वैल्यू निकल जाएगी, ये आएगी वैल्यू एम्पेयर में, इससे एक i1 की वैल्यू निकलेगी, i1 की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो i1 की वैल्यू आएगी हमारी 39/860 एम्पियर और इसी से i3 की वैल्यू आ जाएगी 11/172 एम्पियर, ये एम्पियर में। बट हमें वैल्यूज किस में निकालनी है, हमें वैल्यूज निकालनी है मिलीमीटर में, तो तीनों को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट मीन्स 10^3 से मल्टीप्लाई अपॉन में मिलीमीटर, इसको करूँगा तो 39000 मिलीमीटर अपॉन में 860 और 11000 अपॉन में 172 मिलीमीटर, यह आएगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें हमें क्या निकालना था, रीडिंग निकालनी थी मिलीमीटर्स की, तो ये निकल गया हमारी मिलीमीटर्स में रीडिंग, क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट।